सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बोर हो रहे होंगे जैसे कि मैं हो रही हूँ। आज लाइव स्ट्रीम भी नहीं हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना कि जो अपडेट्स आ रहा है, जो गरीना का मेंटेनेंस चल रहा है, इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ। तो इसमें जो न्यू न्यू अपडेट्स आने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। कुछ अच्छे अपडेट्स हैं तो कुछ बुरे। अच्छा ये है कि तुम लोग ऐसे सोचो कि जो अलिव्या करके कैरेक्टर था, तो वो अगर HP मतलब अगर हम किसी टीममेट को रिवाइव करें तो डाउन जो रिवाइव प्लेयर है उसको 70 HP मिलेगी, बट उसको इंक्रीज 10% कर दिया तो अब उसमें हमको 80 HP देखने को मिलेगी। तो आप लोग सोचो कि अपना टीममेट डाउन है, अगर जोन में मतलब अगर कोई बंदा डाउन होता है तो उसको रिवाइव करके बहुत ज़्यादा इजी है कि उसको एकदम से 80% HP मिल जाएगी, मतलब 80 HP मिल जाएगी। तो बहुत कमाल हुआ ये। एंड जो मैक्सिम है गाइज, जो हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब फास्टर मेडिकेट और वो मशरूम यूज़ कर लेता था, उसको डिक्रीज़ कर दिया। पहले 30% फास्ट होता था, अब 25% कर दिया उसको, 5% डिक्रीज़ हो गया उसमें। और अच्छी खबर ये है कि जो स्काइलर है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए उन्होंने। जैसे स्काइलर पहले मतलब एम वेम नहीं होता था, एक बार गलती से दब गया तो चल जाता था, बट अब ऐसा है कि उसमें अब होल्ड टू फायर वाला बटन आ गया। ठीक है, अगर तुम होल्ड कर सकते हो एंड चाहे तुम स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हो, जैसे ग्रेनेड होता है बस वैसा कुछ, एंड एम करके तुम जो सही वाला ग्लू वॉल फोड़ना चाहते हो वही कर सकते हो, नहीं तो इधर उधर एम चला जाता था, कई बार ग्लू वॉल नहीं भी फटता था। तो ऐसे कुछ अपडेट हैं। एंड गाइस, कुछ नए गन्स देखने को मिल रही है हम लोगों को, जैसे कि न्यू वेपन आ रहा है, शॉर्ट वेपन है ये, चार्ज बूस्टर इसका नाम है। तो इसमें मतलब जो डैमेज है वो 15 देखने को मिलेगी तुम लोगों को। मैगजीन भी 3 की है, काफ़ी अच्छा है। मतलब चार्ज क्या है, ऐसा है कि चार्जिंग इंक्रीज़ करेगा इसका रेंज डैमेज और रिड्यूस करेगा स्प्रेड को, तो काफ़ी अच्छा है ये वाला गन भी। देखते हैं कैसा निकल के आता है अब ये। और मतलब न्यू गन्स में तुम लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि अब तुमको एयर ड्रॉप में भी ग्रोजा का एक्स, M249 का एक्स एंड M249X और SVDY देखने को मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल ग्रोजा है उससे इसका ग्रोजा एक्स का डैमेज 10% होगा, मतलब डैमेज इंक्रीज़ हो गया 10%, एंड M249 में डैमेज 5% इंक्रीज़ हो गया, रेट ऑफ फायर भी 12% है। तो भाई ये तो क्या जहर चलने वाली है। और मतलब बाकी जो तुम लोगों को पता है, जब नॉर्मल अपडेट्स आता है तो इसमें गन वगैरह जो होते हैं उनकी मतलब वो सब घटती रहती है, मतलब डैमेज कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, मतलब हर अपडेट के बाद गन के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है। तो जो भी शॉर्ट गन्स है जैसे M1014 स्पास, M1887 एंड MAG7, UMP MP40, मतलब SMG और जो शॉर्ट गन है वो दोनों, SMG और वो शॉर्ट गन जो होती है वो दोनों का डैमेज रेंज और मतलब हेडशॉट जो होता है डैमेज, वो सब लॉन्ग रेंज हेडशॉट डैमेज जो है वो कम होने वाला है सभी का। मतलब MP40 से भी मतलब थोड़ा नहीं तो मिड रेंज से तो थोड़ा सा लॉन्ग रेंज तो लग ही जाता था हेड, बट उसको भी इन्होंने 20% माइनस कर दिया है तो अब क्या बोल सकते हैं। और जो मिनी UG थे उसकी भी रेंज काफ़ी अच्छी थी, बस उसको भी 5% लेस कर दिया है। लॉन्ग डिस्टेंस हेडशॉट रेट भी इन्होंने 20% कम कर दिया, अब क्या बोले। और वेक्टर की तो ये लोग जान ही नहीं छोड़ रहे भाई, मतलब हर अपडेट के साथ वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। तो इस बार वेक्टर के साथ इन्होंने जो लॉन्ग डिस्टेंस हेडशॉट रेट का डैमेज था उसको भी 20% कम कर दिया है, मतलब वेक्टर अब किसी काम का नहीं रहा है। जो M500 है गाइस जो हम यूज़ करते हैं, उसमें भी लॉन्ग रेंज जो हेडशॉट लगता था उसको भी 20% इन्होंने कम कर दिया है। बट हाँ, ये जो स्कार है एंड ऑग है इनके साथ इन्होंने अच्छा किया, मतलब स्कार का डैमेज इन्होंने 4% इंक्रीज़ करके और रेंज भी इफेक्टिवली जो रेंज होती है उसको भी 6% इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, और ऑग का 2% डैमेज है प्लस कर दिया, और इफ़ेक्टिव रेंज जो है वो 3% इन्होंने प्लस कर दिया। बस यही है अभी तो, जो मतलब स्कार और ऑग चलाते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है ये, बट हमने तो यूज़ नहीं किया है, मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ। एंड गाइस, जो मतलब मैप में भी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे क्लैश स्क्वाड में अल्पाइन मैप देखने को मिलेगा, अब वो पता नहीं क्लैश स्क्वाड रैंक में भी देखने को मिलेगा कि नहीं, बट हाँ नॉर्मल क्लैश में तो तुम लोगों को अल्पाइन मैप देखने को मिलेगा। और जो मतलब थोड़ा बहुत मैप बैलेंस कर रहे हैं ये, जैसे कि जो ये कटुलिस्तवा है, मार्स इलेक्ट्रिक एंड मिल में मतलब कि कुछ वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत हाइड प्लेस, जैसे कि बॉक्सेस वगैरह रख लिया, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा उसमें भी। और मतलब क्लैश स्क्वाड में ही न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी, हैंगर एंड नेरुक डैम करके कुछ नया देखने को मिलेगा क्लैश स्क्वाड में। और गाइस, जो क्या बोलते हैं उसको, वो होता है क्या, मतलब क्लैश स्क्वाड पे तुम लोगों को कब एयर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, मतलब लिटरली एयर ड्रॉप्स क्लैश स्क्वाड में। और मतलब तुम लोगों ने कभी सुना है कि M1887 से 3 शॉट्स चले हो, तो हाँ ये सब हमें देखने को मिलेगा क्लैश स्क्वाड नॉर्मल में, अभी तक रैंक में तो नहीं है, बट क्लैश स्क्वाड में एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा जिसमें कि M1887 मिलेगी, तो उसमें 3 शॉट्स चलेंगे
जिसको हम टू शॉट्स बोलते हैं, उसमें थ्री शॉट्स निकलेंगे, वो सिर्फ क्लासिक और नॉर्मल में होने वाला है। अभी तो काफ़ी सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं, देखते हैं आप लोगों को कौन सा अपडेट अच्छा लगा वो बताना मुझे। एंड बहुत सारी चीज़ें न्यू आई हैं, अभी आधे के बारे में जानकारी नहीं है, जितना हो सका वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दो, एंड मुझे बताना कमेंट में कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।